деньги, если мусульмане тоже есть? Почему ты не мусульманин? Да, большой мусульман. Много, да. Почему ты не мусульман? Россия वाले लोग बदल गए हैं वार के बाद में. यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी. तो ये गलती कभी मत करना मेरी वजह से. तो ये जो जीजा भाई साहब है, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है समारा तक के लिए. काफी दूर है समारा. काफी मुझे होपलेस हो गया था यहाँ पे लिफ्ट मिलने की. अंत में ये भाई साहब रुके और इन्होंने समारा तक लिफ्ट दिया. अब मजे हैं, अब आराम से जाएंगे. प्याज दबाए. प्याज प्याज. काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है और सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं. अभी चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे क्योंकि लंबा ट्रैफिक जाम हो गया. वो ट्रैफिक जाम खुला ही नहीं. और अभी रात की लगभग 10 बज रही है और 10 बजे का सूरज देखो आप. अभी हमने देखा धमाका हुआ और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. नॉर्मल है एकदम. ऐसे कुछ चाय बनाते हैं. उनके खुद के पास गैस रहता है और सब सामान रहता है. पूरी व्यवस्था रहती है खाने का. तो अंकल जी ने कॉफी बनाई है मेरे लिए और साथ में दिया ब्रेड और शहद. Сахар. Сахар. Надо? Да, да. Я люблю сахар. तो शक्कर दूध वगैरह सब अंदर है. पूरी इंतजाम इन्होंने अंदर ही कर रखा है. शक्कर वगैरह, चाय वगैरह, ब्रेड वगैरह सारा खाने का इंतजाम अंदर है. तो मेरी कॉफ़ी बन गई है. अंकल जी बनाएंगे उनके लिए चाय. अंकल जी चाय वाले आदमी है, मैं कॉफ़ी वाला हूँ. तो अंकल जी को चम्मच वापिस देना है. Она не горячая. Держишь, нормально. Холодно. Нет. Термос. Нормально. 59. 59. 59. Понял. Да. So, ей инки биви, а тебе 50? Мне 60. 60. 62. Да. Понял. Да. Мне. 62. Да. Мне 62. 62. Ей 50. 9. Да. Нет. 9. Нет. Вот это. Не, о, 9. Last. Thank you, baby. Он сам я старый. Я старый. तो ट्रैफिक खुल पड़ा है और अब चलते हैं. काफ़ी सूरज भी थोड़ा सा नीचे आ गया और अब बढ़िया सा मौसम हो गया है. सुबह सुबह खाना रेडी हो गया है. मैंने बेड पे जैम या कनी लगा दिया है और चाय बन गई है, कॉफ़ी बन गई है और ये बीच में कॉफ़ी वो चल रहा है. खाता हूँ और फिर खा के फिर चल रहे. सो भाई साहब, यहाँ तक की जब ख़त्म होती है और काफ़ी है. 2 दिन से मैं इनके साथ हूँ. कल बैठा था और आज सुबह हो गई. तो 2 दिन लगभग 1 दिन से इनसे साथ में और काफ़ी बढ़िया सफर रहा. Это мой телефон. Да, понял. WhatsApp. На WhatsApp. WhatsApp. Да, это мой телефон. Хорошо. Инка номер. Спасибо большое. Спасибо большое. तो ये भाई साहब ने यहाँ तक छोड़ दिया. इसलिए सीधा मॉस्को जा रहा हूँ. Спасибо большое. Очень, очень приятно тебя. Удачи. Да, понял. Спасибо большое. तो ये भाई साहब ने यहाँ तक मुझे लिफ्ट दी थी. ये लगभग समारा आ गया. मैं कल सुबह से ही चेक कर रहा हूँ चेलियाबिंद से समारा, जो कि लगभग होता है 1300 किलोमीटर और मुझे और जाना है लगभग 700 किलोमीटर और मॉस्को की तरफ. उन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे छोड़ा. ये भाई साहब आर्मी में थे और जिस चाकू से मैं ब्रेड काट रहा था उसी चाकू से इन्होंने बहुत से लोगों को मारा. ये बता रहे थे कि एक बार मतलब 5-6 आदमी आ गए थे
और इनकी मतलब फिल्मी स्टाइल में बता रहे थे, पूरे 5-6 लोग आदमी आ गए थे तालिबान में, और ये मतलब ये अकेले पड़ गए थे और गोलियां भी ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने चाकू से अंधेरे में उनको मारा तालिबानों को, वही चाकू जिससे मैं ब्रेड काट के खा रहा था। सो यार काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इनकी। मोहम्मद भाई ने मुझे लिफ्ट दी है लगभग 30-40 किलोमीटर की, चेचन्या के पास में आता है इंगुश, वहाँ से है, और मैं उधर ही जा रहा था मॉस्को के बाद, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो ये भाई साहब मुझे अपने गांव में इनवाइट कर रहे हैं, तो इनका गांव चेचन्या में ही है, चेचन्या और इंगुश दोनों भाई भाई जैसे ही है। ये भाई मुझे बिल्कुल गाँव में जाना था इस बार की ट्रिप, रशिया की मुझे गाँव में जाना था, और ये भाई मुझे इन्वाइट कर रहे हैं, तो कह रही ना तो क्या लकी डे है आज का, और ये लगभग थोड़ी देर बाद मुझे छोड़ देंगे, पर इनका नंबर वंबर मैंने ले लिया है। ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है लगभग, अब मेरा सीधा मॉस्को जाना है और इनको इस तरफ जाना है इनके घर पे चेचेनिया। बहुत शुक्रिया। सो या चलते हैं अब, इनका धन्यवाद। उन भाई साहब ने मुझे यहाँ पे उतार दिया, हालांकि थोड़ी सी बारिश आ रही है, बट कोई बात नहीं। जो आगे क्रॉसिंग है रोड, वो रोड मुझे सही लग रहा है, मतलब उसके नीचे खड़े होकर चेक कर सकता हूँ, तो वहाँ से ट्राई करता हूँ, वहाँ से ईजी रहेगा। गाड़ियाँ निकल रही है पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है। सो ये कुछ सीन है, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। द टूरिस्ट या इन दिस की इन इन इंडिया प्रीवियर ग्रासिटी सलाम वाली वालेकुम अस्सलाम मुसलमानी ने तो या बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट दा इन दिस की छोटा इन्होंने दिए मुझे लगभग 200 किलोमीटर की लिफ्ट, 200 किलोमीटर तक छोड़ेंगे, उसके बाद मैं मॉस्को के लिए निकलूंगा। सो स्पेसिफिक बबल से जिन प्रयत्नत रुपया नमस्ते। तो मैं откуда едешь? Я Индия. Индия. Да, Индия. Да, Индис. А. Я Узбекистан. Поэтому ты буддист. Да, это большой буддист, большой мусульман. А, Индия же мусульмане тоже есть. Почему ты не мусульманин? Да, большой мусульман. Много, да. Почему ты не мусульманин? Меня инду. Индус? Да. Офицер. Это Азербайджан и куда потом? Индия, брат. Потом Иран. Иран? Потом Азербайджан, потом Россия, Мурманск, Магдан, Автостопом. Иншаллах. Ага. Со, भाई साहब पूछ रहे हैं क्या क्या प्लान है, पूरा प्लान समझा रहा हूँ इनको कि यहाँ यहाँ जाऊँगा, यहाँ यहाँ से वापस आऊँगा। सो समझ में आ गया इनको, अब मेरे को थोड़ी थोड़ी रशियन आती है, इसका फ़ायदा हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या बोला, ये पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ जा रहे हो और कितने भी, मैंने बताया चेचिया, इंगुशिया और फिर अजरबैजान। तो ये प्लान है मेरा। तो लगभग 50-100 किलोमीटर पहले हम आ गए हैं, और खाना वाना खाएंगे थोड़ा कैफे वगैरह में, और मुँह हाथ मुँह धो के जाऊँगा, आगे मैं ही चेक करूँगा। अभी लगभग शाम की 5 बज रही हैं, तो काफ़ी टाइम है, अगर मॉस्को की डायरेक्ट राइड मिल गई तो मॉस्को कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। तो लगातार मेरा दूसरा दिन है ये हिंचाई ज्ञान मिला, और प्रॉब्लली 3 दिन तक रेगुलर रहते ऐसा कुछ है, ये सूप है जिसमें मैस नहीं है, और ये कुछ केक है, ये सलाद है, और ये पता नहीं, ये जूस मैंने एक बार पहले पिया था। सलाम करो शो। तो ये खाना पीना हो गया है, भाई साहब ने खाना वाना बढ़िया खिला दिया है, आप चलते हैं सीधा मॉस्को की तरफ, पेंजा की तरफ पहले। ब्रेक वेक ले लेता हूँ और फिर निकलते हैं। 5-6 बज रही हैं और जाऊँगा, हालांकि आज रात को चेक करूँगा, मेरे को पता है। भाई साहब ने बोला ये गाड़ी नहीं मिले तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लो और मुझे फ़ोन कर देना, और मेरा घर पास में ही है 10 किलोमीटर, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है रहने की, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फंस गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया है पर ज़्यादा कोई रोक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों रशिया वाले लोग बदल गए हैं बाहर के बाद, यूँ लग रहा है मुझे बाहर के बाद चेंजेस आ गए काफ़ी लोगों में। पेंजा सिटी के लिए लिफ्ट मिल गई है,
भाई साहब ने दिक्कत थी पहले नहीं 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 स्पेशल बंदर तो भाई साहब मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। काफ़ी बारिश आ रही है और मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। सो गाइस कुछ ऐसा ही चेकिंग करनी पड़ रही है और मेरा मॉस्को भी गीला हो रहा है और यहाँ पे कोई रुकेगा भी नहीं। इतनी बारिश मतलब आँखों में पड़ रही है सबके, कांच पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या पड़ेंगे वो। अब मेरा मॉस्को पूरा गीला हो गया और पता नहीं अब जाओ तो जाओ कैसे मॉस्को की तरफ। अब हाथ पकड़ते ही छाता पकड़ूँ या बैग पकड़ूँ या क्या पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब ने बहुत गलत छोड़ दिया, मैंने उनको बोला था मुझे छोड़ बोल ले लो, मुझे आगे तरफ छोड़ दो, तो बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई ये करके। और उनकी गलती भी नहीं है, चलो हालांकि गलती मेरी है तो चलते कोई बात नहीं। जैसे ही बारिश कम होगी अगर होगी तो मैं ही चेक करूँगा और नहीं हुई तो फिर यहीं खड़ा खड़ा रात निकालनी पड़ेगी। एक बार ये बारिश हट जाए मैं मॉस्को वापस ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉस्को में सिर्फ मुझे वापस लिखना है और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नज़ारा है, हालांकि नज़ारा काफ़ी सुंदर है देखने लायक है, मैं आपको उसको सही बताता हूँ कि मेरी रात की फैमिली उठ जाएगी ठीक ठाक सी जगह है और कोई जा रहा हो तो जरूर रुकेगा, रात होगी है तो रुकना तो चाहिए। बारिश की वजह से बैग भी नीचे नहीं रख पा रहा हूँ, एक घंटे से 20 किलो को लेके खड़ा हूँ, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। तो ये गलती कभी मत करना मेरी वजह से। और GoPro की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। अब मैंने कहा गंदा हो तो हो, रखो बैग नीचे, कमर नहीं दुख सकती। सो गाइस एक भी गाड़ी रुकी नहीं है, रात की 1 बजने आई है, तो मैं जाता हूँ उस कैफे में ही वापस जाके बैठता हूँ। सुबह 4 बजे उजाला हो जाएगा, ओ सही टाइम है अब मेरा ट्रेन डालने का, ये कब काम आएगा ये आए तो। तो पूछता हूँ मैं कहीं ट्रेन लगा सकता हूँ, वो जगह देते हैं तो मैं ट्रेन लगा देता हूँ, चलते हैं। वेलकम टू रशिया। सो गाइस टैन डालने की परमिशन नहीं मिली मुझे, मैंने अंदर भाई को पूछा टैन डाल सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे मालिक डांटेंगे। सो कोई बात नहीं, बैठ के ही थोड़ा सा 4-5 घंटे निकालने हैं, बैठ के ही निकाल लेता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ। सो देखता हूँ मोबाइल और क्या करूँ, और कुछ काम नहीं है। यहाँ पर जगह थी काफ़ी, मैंने इनको बोला था बट क्या करें, सबका अपना अपना चॉइस। गाइस रात की 2 बज रही है अभी, कभी बैठा हूँ ठंडा की सेटअप पहन लिया और इंडियन बाइक की वीडियो देख रहा हूँ। सो गाइस रात की 3 बज रही है, मैं कब से बैठा था, फिर मैंने बाहर नज़ारा देखा तो मैंने कहा यार यहाँ तो मस्त दिन हो गया है तो चलते बाहर हिचाइक ही करते हैं, अंदर बैठने से अच्छा। तो सामान ले लिया, मुझे क्रॉस करके उस तरफ जाना है और देन हिचाइक करना स्टार्ट करता हूँ। बैठे बैठे वैसे भी वहीं बैठा हुआ था, वहाँ पर जाके बैठता हूँ। और यार मैं एक चीज़ करने की सोच रहा हूँ जो हमेशा मैं पहले रशिया में किया करता था, यहाँ से है 12 किलोमीटर, 12 से भी ज़्यादा शायद 16 किलोमीटर है सिटी का बाहर का पॉइंट, तो यहाँ से टैक्सी आ रही है 240 रुपये, जो कि 1.5 गुना करके 400 रुपये की होती है। तो मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना चल सकूँ उतना, जितना चल सकूँ। अभी 3 बजी हैं, 4 बजे तक चलूँगा, 4 बजे जहाँ पे भी खड़ा रहा वहाँ से मैं टैक्सी कर लूँगा और सिटी के बाहर पहुँच जाऊँगा। अब सिटी के अंदर रहकर कोई मतलब नहीं है, तो 100 रुपये भी बचा हो तो भी 150 रुपये हुए, तो सुबह सुबह चलना भी हो जाएगा, 150 रुपये भी बचेंगे। और ये 8 किलोमीटर पर ये जो सर्कल है वो क्रॉस करते हैं। सिर्फ घंटा पर और हो गया है, सुबह की 4 बज गई है, मैंने अब शहर में सिर्फ 3 टैक्सियाँ घूम रही है, मैंने गलती से थोड़ा सी डायरेक्शन गलत बुक कर दी तो पता नहीं टैक्सी वाला गुस्सा हो गया, अब कोई टैक्सी वाला आ ही नहीं रहा। सो मुझे 200 रुपये में टैक्सी पड़ रही थी जो मुझे सिटी के बाहर, जो कि 16 किलोमीटर है वो छोड़ रही थी, अब वो भी कोई नहीं है, तो सिटी के बाहर जाने के वादे हो गए आज। हालांकि उजाला हो गया है कि चेकिंग चालू हो जाएगी, वो सभी थोड़ी देर मैंने करी पर कोई रुका नहीं। एक बार ये इस जंगल में इसमें फंस गया हूँ मैं, ये बैरिकेड में, मैंने सोचा थोड़ा सा ही होगा, और सामने दिख रहा है वो हाईवे, उसको क्रॉस करना है एंड देन हिचाइकिंग स्टार्ट करनी है मॉस्को की। हिचाइकिंग पॉइंट पर आ गया हूँ, काफ़ी सुंदर हिचाइकिंग पॉइंट है, चारों तरफ से ऐसा खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी सुंदर हिचाइकिंग पॉइंट है। अभी मॉस्को के लिए पहले हिचाइकिंग करूँगा और एक गाड़ी आ रही है, देखते ही रुकती है कि नहीं रुकती है। और लगभग सुबह की 5 बज रही हैं
और लग ऐसा रहा है कि सुबह के 7 बज गए, सूरज काफ़ी ऊपर आ गया है। सो या चलते हैं। के मेरा कत्ती भी आ जाओ उठ हाँ कत्ती भी आ जाओ उठ एल्शान स्पेसिबल बोल सो। ये भाई साहब अजरबैजान से हैं और ये इन्होंने मुझे मॉस्को तक की लिफ्ट दी है। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका स्पेसिबल बोल सो। इमिया खाक हर्षित हर्षित हर्षित